तो फाइनली स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है तत्सम और तद्भव। शब्द किसे कहते हैं और इसके पहचानने का ट्रिक क्या है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग पूर्ण रूप से समझने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाँ, ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज़ कर देता है, स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है, कंफ्यूज़ होकर रह जाते हैं और यूं ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन को वो लोग छोड़ कर चले आते हैं। लेकिन अब आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, मैं आप लोगों को इतना ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी ना तत्सम और तद्भव पहचानने का, कि आप लोग उस ट्रिक को जान जाने के बाद ज़िंदगी में कभी भी तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम आउटस्टैंडिंग ट्रिक बताने वाली हूँ आप लोगों को, एकदम ज़बरदस्त ट्रिक है। आप यूँ कह सकते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द को सबसे पहले समझेंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताते चलूँगी और ट्रिक बताऊँगी। मतलब आप यूँ कह सकते हैं ना, इतना ख़तरनाक ट्रिक है, जी हाँ ख़तरनाक बोलिए, इतना ज़बरदस्त ट्रिक है, मतलब सबसे अलग हटकर है ये ट्रिक। इस ट्रिक को आप लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक बार अगर आप लोग ये ट्रिक को जान जाते हैं ना, देन आप लोगों को हमेशा ये ट्रिक याद रहेगा और कभी भी तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने में दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग बेहद समझदार हैं, आप लोग खुद समझते हैं कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से ये टॉपिक तत्सम और तद्भव से तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, 1% भी शक नहीं होना चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बेशक मैं 200% गारंटी देती हूँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक शेयर करके मोटिवेशन बढ़ा दीजिए, इसी बात पर आप लोग लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतर कंटेंट और इस तरह के ज़बरदस्त ट्रिक लाने की। ये आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार जो होता है ना, लाइक शेयर, यही तो हमें मोटिवेट करता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और लाइक तो एक ही बार किया जाता है, तो लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके अपने छोटे बड़े भाई बहन, जितने भी आप लोगों के रिश्तेदार हैं, कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं, चाहता हूँ शेयर कर दें फटाफट। चलिए सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। समझिए यहाँ पर तत्सम शब्द क्या है आखिर, मैं डेफिनेशन लिख दी हूँ, पढ़िए। संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बदले बिना मूल रूप में ही हिंदी में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उस तरह के शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, मतलब संस्कृत भाषा के ही शब्द जो हिंदी भाषा में आ गए हैं बिना अपना रूप बदले, बिल्कुल हूबहू, मतलब संस्कृत के वैसे शब्द जो हूबहू हिंदी में आ गए हैं, यानी कि उनका हिंदी में, हिंदी भाषा में यूज़ होता है, हिंदी भाषा में वे शब्द बोले जाते हैं, तो उस तरह के शब्द को कहते हैं हम लोग तत्सम शब्द। जैसा कि मैं डेफिनेशन में भी लिखी हूँ कि संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बदले बिना, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसका मतलब किसी भी तरह से उसमें बदलाव नहीं किया गया है, बिल्कुल संस्कृत के शब्द हैं वो, और बिल्कुल हूबहू उसी तरह हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जो मूल रूप से, यानी कि बिल्कुल हूबहू हिंदी भाषा में बोले जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं, तो वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में भी बोला जाता है, अग्नि हिंदी भाषा में भी बोला जाता है ना, तो अग्नि क्या हो गया, तत्सम शब्द कहलाएगा। उसी तरह कृष्ण, कर्म, चंद्र, रात्रि, दशम, कृषि, श्रावण, वृक्ष, नाव, योग, ये सभी शब्द जो है ना, ये सभी शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये सभी शब्द क्या है, संस्कृत शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में आ गए हैं बिना रूप बदले, यानी कि मूल रूप में ही हूबहू हिंदी भाषा में आ गए हैं और इनका यूज़ हिंदी भाषा में होता है, तो इस तरह के शब्द को क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। अब बात करते हैं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए, यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित करके हिंदी भाषा में आए हैं, तो वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि को हल्का सा परिवर्तित कर दीजिए, बदल दीजिए और आग बना दीजिए, तो ये आग क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। आग जो है ना, ये अग्नि से ही आया है, अग्नि को हल्का सा परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि इसके रूप को बदल दिया गया है थोड़ा सा, और इसको आसान बना दिया गया है। अग्नि बोलना आसान है कि आग बोलना आसान है,
और विजुअली बात है कि आग बोलना आसान है, यानी कि अग्नि से परिवर्तित करके आग बना दिया गया है और आसान बना दिया गया है, तो आग क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। उसी तरह मोर, रात, रात्रि की जगह रात बोला जाए तो रात्रि का ही परिवर्तित रूप कह सकते हैं आप रात, ठीक है। तो रात क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। दसवा, कबूतर, जोग, लाख, छा, बहु, चांद, गांव, तांबा, ये जितने भी हैं ये सभी शब्द तद्भव कहलाएंगे, जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है, थोड़ा सा बदल कर, और उसको हिंदी भाषा में बोला जाता है और यूज़ किया जाता है, तो उस तरह के शब्द को कहते हैं तद्भव शब्द। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। अब यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है, या फिर निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा ऐसा ऑप्शन में शब्द देगा ना कि आप लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक करके चले आते हैं या फिर उसको छोड़ कर ही चले आते हैं। लेकिन आप लोगों को ना तो छोड़ कर आना है और ना ही गलत आंसर टिक करके आना है, आप लोगों को 100% करेक्ट आंसर लगा कर आना है। चलिए तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने का आखिर ट्रिक क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और अभी तक इसी बात पर लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दे वीडियो को और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे। समझते हैं तत्सम शब्द को कैसे पहचानेंगे, इसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक कॉमन सा और हल्का फुल्का ट्रिक बताना चाहती हूँ, जो कि अगर आप लोग खुद ध्यान देंगे तो आप लोग को खुद एहसास होगा। आप लोग पढ़िए जरा, तत्सम शब्द को पढ़िए, अग्नि, कृष्ण, कर्म, चंद्र, रात्रि, दशम, कृष्ण, श्रावण, पढ़कर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि तत्सम शब्द जो है ना इसको पढ़ने में तद्भव शब्द से थोड़ी अधिक कठिनाई होती है, यानी कि थोड़ा सा मतलब कठिन पढ़ने में ये लगता है। और आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ भी है ना, तो आप लोग को थोड़ा कठिन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा तद्भव शब्द के मुकाबले में। अगर बात करें तद्भव शब्द को तो ये आसानी से पढ़ सकते हैं हम लोग, आग, मोर, रात, दसवा, कबूतर, जोग, ठीक है, तो ये आसानी से हम लोग पढ़ पा रहे हैं और लिखा हुआ भी आसान दिख रहा है। लेकिन अगर वही बात करें तत्सम शब्द की तो ये थोड़ा कठिन लिखा हुआ है और पढ़ेंगे भी तो थोड़ा कठिन पढ़ा जाएगा। तो पहला कॉमन सा ट्रिक और हल्का फुल्का ट्रिक तो यही है कि तत्सम शब्द जो होते हैं ना वो थोड़े कठिन होते हैं, मतलब पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव होता है, लेकिन तद्भव शब्द जब इसको पढ़ा जाता है तो इसको आसानी से पढ़ लेते हैं। पहला कॉमन सा ट्रिक क्या हो गया, पढ़ने में थोड़ा कठिन होता है तत्सम शब्द, लेकिन तद्भव शब्द की बात करें तो ये पढ़ने में थोड़ा आसान होता है। अब आप लोग कहेंगे ये तो कॉमन सा ट्रिक हो गया, ये तो मतलब अगर मान लीजिए इससे नहीं तत्सम और तद्भव शब्द को हम लोग नहीं पहचान सके तो फिर दूसरा ट्रिक क्या है। तो दूसरा एकदम ज़बरदस्त ट्रिक मैं लिख दी हूँ, देखिए, शब्द में अगर आधा अक्षर हो तो उस शब्द को कहेंगे तत्सम शब्द। किसी भी शब्द में अगर अक्षर का आधा भाग लिखा हुआ है तो उस शब्द को क्या कह देना है, क्या लगा देना है, तो तत्सम शब्द लगा देना है। जैसे कि देखिए अग्नि, अग्नि ये जो शब्द है ना, इस अग्नि शब्द में ग का आधा भाग है, ग एक अक्षर है और अक्षर का आधा भाग ग का यूज़ किया गया है, ग लिखा है, यानी कि शब्द में अक्षर का आधा भाग लिखा है, तो इस शब्द को क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। अब कोई भी आप लोगों को शब्द दिखाई दे अगर उस शब्द में किसी भी अक्षर का आधा भाग यूज़ हुआ हो, आधा भाग लिखा हो, तो उस शब्द को बिना सोचे समझे तत्सम शब्द लगा देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लगाना ये ज़बरदस्त ट्रिक। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक लाइक नहीं किया तो, और जितना ज़्यादा शेयर कर दे फटाफट इसी बात पर। अब समझते हैं तद्भव शब्द को कैसे पहचानेंगे। तो कॉमन सी बात है कि अगर शब्द में आधा अक्षर रहेगा, कोई भी अक्षर का आधा भाग रहेगा, तो उस शब्द को कहेंगे तत्सम शब्द। और अगर शब्द में जितने भी अक्षर हैं अगर वो पूरे के पूरे लिखे गए हों तो उस शब्द को क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। शब्द में पूरा अक्षर का होना ज़रूरी होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आग, मोर, रात, दसवा, कबूतर, ये जितने भी शब्द मैं लिखी हूँ इन सभी शब्द में अक्षर का पूरा भाग लिखा गया है, कहीं पर भी आधा भाग आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर आधा भाग होगा तो वो तो हो जाएगा तत्सम ना, तो जिस शब्द में अक्षर का पूरा भाग, मतलब जितने भी उसमें अक्षर हों वो सभी पूरे के पूरे लिखे गए हों, तो उस शब्द को क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। ये भी हो गया। अब आप लोग कहेंगे ठीक है इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं, अगर इससे भी ना पहचान पाए तत्सम और तद्भव को तो फिर अगला ट्रिक क्या है। तो अगला देखिए, जिस शब्द में र के रूप का यूज़ किया गया हो उसको कहते हैं तत्सम शब्द।
देखिए, जिस शब्द में आप लोगों को ये री दिखाई दे उसको टिक कर देना है कि वो शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। अगर र का रूप का यूज़ किया गया हो, र का रूप क्या क्या होता है, र का रूप एक ये होता है और एक ये होता है, जैसे कि प्रति, प्र, इस प में र का ये रूप का यूज़ किया गया है, ये है र का रूप। तो प्र, इस प्र में ये र का रूप का यूज़ किया गया है ना, तो जिस शब्द में र के रूप का यूज़ हो यानी कि र का रूप लिखा हुआ हो उस शब्द को तत्सम कह देना है, प्रतिदिन, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला है ये वाला र, ये भी र का ही रूप है, कर्म, मैं लिख दी कर्म, तो ऊपर क्या है, ये र का रूप है, माँ के ऊपर क्या है, र का रूप है। तो र का रूप जिस भी शब्द में दिखाई देना लिखा हुआ उस शब्द को क्या कह देंगे, तत्सम शब्द। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कृष्ण नीचे र का रूप है, कर्म ऊपर र का रूप है, वृक्ष नीचे र का रूप है, तो ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर शब्द में री हो या फिर र का रूप यूज़ किया गया हो, लिखा हो, तो उसको कह देना है क्या, तत्सम शब्द है। लेकिन अगर पूरा का पूरा र इस तरह लिखा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। जैसे कि मोर, रात, मोर में देख सकते हैं र पूरा का पूरा लिखा गया है, रात में पूरा का पूरा र लिखा गया है, नॉर्मल र, तो इसको क्या कहेंगे, तद्भव शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिस शब्द में त्र, श, श, ये श्र और छ, व, य, ये शब्द, ये अक्षर दिखाई देना तो उस शब्द को कहेंगे कि वो तत्सम शब्द है। मतलब जिस शब्द में आप लोगों को त्र दिखाई दे, जैसे कि रात्रि, लास्ट में क्या है, त्र है, रात्रि में लास्ट में त्र दिख रहा है ना, तो रात्रि इस शब्द को क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। जिस भी शब्द में आप लोगों को त्र दिखाई दे उसको आप लोग तत्सम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से जिस शब्द में आप लोगों को ये तालाबे श, ये वाला श दिखाई दे, इसको उसको भी क्या कह देना है आप लोगों को, कि वो क्या है, शब्द तत्सम शब्द है। जैसे कि दशम देख सकते हैं आप लोग, दशम में ये वाला श है, तो इसको क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। उसी तरह जिस शब्द में ये वाला श दिखाई दे, जैसे कि कृषि, तो इसको भी क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। जिस शब्द में आप लोग को ये श दिखाई दे, जैसे कि श्रावण यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, श, यानी कि ये वाला अक्षर है, तो जिस भी शब्द में ये वाला अक्षर दिखाई दे उसको कहेंगे क्या, तत्सम शब्द, यानी कि ये श्रार लिखा हो। और जिस भी अक्षर में, जिस भी शब्द में आप लोग को ये छ लिखा हुआ भी दिखाई देना उसको भी आप लोग क्या कहेंगे, उसको भी तत्सम कहेंगे। जैसे कि देखिए वृक्ष, वृक्ष में लास्ट में क्या है, छ, ये वाला छ, तो इस शब्द को कहना है तत्सम शब्द है। उसी तरह जिस शब्द में आप लोग को व लिखा हुआ अक्षर दिखाई दे उसको भी क्या कहेंगे, तत्सम। जैसे कि नौ में लास्ट में क्या है, व है, लास्ट में वह है, तो वह इस शब्द में है ना, वह अक्षर, तो इसीलिए इस शब्द को क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। उसी तरह य, जिस भी अक्षर में आप लोगों को य लिखा हुआ दिखाई दे, जैसे कि योग, योग लिखा हुआ है, तो योग में य अक्षर है, तो इसीलिए इस शब्द को क्या कहना है आप लोगों को, तत्सम शब्द कहना है। ये हो गया। अगर बात करें तद्भव शब्द की, तो इसको पहचानने का अगला ट्रिक क्या है, तो त्र के जगह आप लोगों को त लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि रात्रि था, तो त्र आ जा रहा था, तो इसको तद्भव तत्सम बोल रहे थे, लेकिन त्र के जगह त यूज़ किया जाए, रात, रात, लास्ट में क्या है, त, तो इस शब्द में त अक्षर लिखा हुआ है, तो इसी वजह से इस शब्द को क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। उसी तरह जिस शब्द में स लिखा हुआ दिखाई दे, जैसे कि दसवा, ठीक है, दसवा में क्या है, ये नॉर्मल, ये वाला स, देखिए ये दोनों स अगर रहेगा तो उसको कहेंगे तत्सम, लेकिन ये नॉर्मल वाला डंटा वाला स रहेगा ना जिस शब्द में, तो उस शब्द को कहेंगे तद्भव शब्द। उसी तरह ख, जिस भी अक्षर में आप लोगों को, जिस भी शब्द में आप लोगों को ख अक्षर लिखा हुआ दिखाई दे उसको कह देना है क्या, तद्भव है। जैसे कि लाख में लिख दी हूँ, देखिए लाख में लास्ट में क्या है, ख, तो लाख को क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। उसी तरह जिस भी शब्द में आप लोगों को छा दिखाई दे, जैसे कि छाह, छाह में क्या है, लास्ट में, लास्ट में मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में ही छ है, ठीक है, छह में छ अक्षर दिख रहा है, तो इसलिए इस शब्द को क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। जिस भी शब्द में आप लोगों को व दिखाई दे, देखिए जिस शब्द में व हो अगर, तो उसको कहेंगे तत्सम, लेकिन जिस शब्द में व हो उसको कहेंगे तद्भव, जैसे कि कबूतर। उसके बाद से अगला अक्षर है ज, जिस भी अक्षर में आप लोगों को ज दिखाई दे, देखिए अगर य रहेगा तो उसको कहेंगे तत्सम, योग में य था तो इसको बोल दे रहे थे तत्सम, लेकिन य की जगह अगर मैं ज लिख दूँ, जोग,
ठीक है, जोग लिख दूं तो अब इस जोग शब्द में ज अक्षर आ गया है और ज अक्षर जिस भी शब्द में रहेगा उसको क्या कह देना है, तद्भव। तो अब इस जोग शब्द को क्या कहेंगे, तद्भव, लेकिन योग को कहेंगे तत्सम, ठीक है, क्योंकि इसमें य है इसीलिए तत्सम, इसमें ज है इसीलिए तद्भव। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट बचा हुआ है ये बिंदु वाला चांद। जिस भी अक्षर के ऊपर, अगर जिस भी शब्द के ऊपर ये बिंदु वाला चांद आप लोगों को दिखाई दे उसको बिना सोचे समझे तद्भव लगा देना है। जैसे कि देखिए, चांद, गांव, तांबा, ये जितने भी शब्द हैं इनके ऊपर क्या है, बिंदु वाला चांद है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को क्या कहेंगे कि ये सभी शब्द क्या है, तद्भव है। यहीं पर हो जाता है आप लोगों का ट्रिक कंप्लीट। पूरा ट्रिक मैं आप लोगों को बता दी और मुझे लगता है कि अब इस ट्रिक का यूज़ करके आप लोग तत्सम और तद्भव शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं। था ना ज़बरदस्त ट्रिक? पहला ट्रिक तो आसान था, ये कॉमन सेंस वाली बात थी। इसको याद भी नहीं रखेंगे ना तो आप लोगों को यूं ही याद रहेगा कि हाँ, जो शब्द आसानी से पढ़ दिया जाए, आसानी से पढ़ा जाए उसको कहेंगे तद्भव, और जो शब्द को पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई हो उसको कहेंगे तत्सम। और बाकी ये तीन ट्रिक का यूज़ करें और आप लोग किसी भी शब्द को आसानी से पहचान लें कि वो शब्द क्या है, तत्सम है कि तद्भव है। अब आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे और नीचे चार ऑप्शन दे तो ये ट्रिक लगाइएगा और धड़ाधड़ सही आंसर टिक करके आइएगा। आई होप आप लोग को पूरा ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिख कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दे और शेयर कर दे दबाकर अपने छोटे बड़े भाई बहन जितने भी आप लोगों के रिश्तेदार हैं चारों तरफ, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कोई भी कंफ्यूजन हो आज के इस वीडियो से आप लोग कमेंट में लिखकर पूछ लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के ज़बरदस्त कॉन्टेंट और इस तरह के ज़बरदस्त ट्रिक मैं लेकर आती ही रहती हूँ। तो वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है ना। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।